ये है एमपी का कश्मीर। देखिए आप लैंडस्केप देखिए, ये प्लेटो टाइप के हैं सारे, इधर प्लेटो उधर प्लेटो उधर प्लेटो, बीच बीच में पेड़ हैं। अगर यहाँ बर्फ़ गिर जाए तो कश्मीरी हो जाएगा ये। बट ये कड़कती धूप जो आ रही है, धूप छांव कर रही है, उस प्लेटो पे थोड़ा सा रोशनी है, धूप है, सामने धूप है। धूप वाले इलाकों में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, धूप है सामने, कोई बिल्डिंग नहीं आसपास, केवल मैदान मैदान मैदान। अरे अपने प्रयागराज में वैसा लैंडस्केप होता, कोई बिल्डिंग नहीं होती, कितना मज़ा आता ना, केवल सड़क होती। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से कितनी प्रॉब्लम आती है, अभी यहाँ पे 4-5 साल बाद कितनी बिल्डिंगें बन जाएंगी। पहाड़ी इलाका है भाई ये, पत्थर पत्थर दिख रहे हैं सारे। लैंडस्केप देखिए, इसी में खेती भी लोग करते हैं। सांप सीढ़ी वाली रोड है सारी, आप स्पीड में चला ही नहीं सकते। शिवराजपुर 2 किलोमीटर आगे जाके यही वाटरफॉल बनेगा, सामने एक फॉल बन रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही वाटरफॉल है। तो जो पानी हमने देखा था ना, वही इधर आ रहा है। हेलमेट में कीड़े फंस जा रहे हैं भाई, काट रहे हैं। अरे बाप रे भाई, क्या खाई है। बारिश के टाइम पे देखने लायक होता फॉल होल। एक फॉल इधर से आ रहा है और एक इधर से, जो पुल था वहाँ से पानी आ रहा है। धुआं उड़ रहा है भाई नीचे। एक रिफ्ट वैली बनी हुई है यहाँ पे, खतरनाक। पहली बार अपनी लाइफ में मैंने झरना देखा है, वो भी इतना खतरनाक, इतना ऊंचे से गिर रहा पानी। ये कोई भूकंप आया हो तो ये रिफ्ट वैली बनी होगी पहाड़ों के बीच में, वरना तो नदी जा रही थी। चिड़िया यहाँ मजे ले रही हैं। ये बाहुबली वाला झरना है, इसका नाम बहुत ही नहीं होना चाहिए, इसका बाहुबली झरना होना चाहिए तो नाम यार। वैसे पेड़ पौधे लटके पड़े हैं, वली नीचे से चढ़ के ऊपर आया था। देख सकते हैं मैं झरने के पास में ही हूँ और ये बहुत ही वाटरफॉल है, ऐसा लग रहा है मैं बाहुबली हूँ और सामने ये झरना है। धूप भी काफ़ी होगी, कड़क धूप है। वाटरफॉल का शोर सुनाई दे रहा होगा आपको, काफ़ी मधुर आवाज़ लग रही है मुझे, आपको तो भयावह लग रही होगी मेरे ख्याल से। तो लक्की सिंह परिहार, तो लक्की सिंह परिहार मिल गए ये अभी कि यहाँ पर बहुत ही वाटरफॉल देखने आए हैं। झरना काफ़ी अच्छा है, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बढ़िया लग रहा है, अच्छा है ना, अच्छा जगह, अच्छा है। यहाँ से एक और वाटरफॉल और भी पास में है ना, क्योटी वाटरफॉल है। हाँ है। कितना दूर है? 70 क्योटी और बहु वो पूर्वा वाटरफॉल हो जाता है। अच्छा, और ये सीन ऐसा है कि यहाँ पे जाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। धूप काफ़ी है लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है भाई।
बहुत ही वाटरफॉल है और ये सेलर रिवर पे है जो तमस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। और ये फॉल देख रहे हैं आप, ये एमपी का हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसकी हाइट जो है 198 मीटर अप्रॉक्स है, 650 फीट में आता है ये, 650 फीट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 198 मीटर होता है। और जैसे नीचे दूध जैसा दिख रहा है, जब वो फॉल टकरा रहा है ना पत्थरों से नीचे, तो दूध जैसा दिख रहा है। और यहाँ तो ये वाला जो फॉल आ रहा है ये भी एक भाप जैसा उड़ रहा है। सामने वो ब्रिज दिख रहा है और ये सेलर रिवर है, तो इसी ब्रिज से मैंने आपको दिखाया था व्यू नदी का। और यहाँ आगे से फ्लो बड़ा तेज़ लग रहा है, रिवर आ रही है यहाँ पे, थोड़ी शांत लग रही है रिवर। आगे जाके इतना बड़ा फॉल बनाती है, एमपी का सबसे बड़ा फॉल 198 मीटर, यही जाके आगे फॉल बन रहा है। इधर से बड़ी शांत आ रही है और छोटी सी लग रही है, इतनी शांत है ये। फॉल बना हुआ यहाँ से वहाँ तक, रिफ्ट वैली है ये।